पिछले एपिसोड में आप सभी ने देखा फ्रैंकलिन की डेड बॉडी को टोनी स्टार्क उसके घर ले जाता है, लेकिन तभी फ्रैंकलिन की डेड बॉडी से उसकी सोल निकल के टॉयलेट के अंदर कैद हो जाती है। टोनी स्टार्क फ्रैंकलिन की डेड बॉडी और उसकी सोल को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन टोनी स्टार्क पूरी तरह से असफल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सारे एवेंजर्स बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं। फिर फाइनली टोनी स्टार्क फ्रैंकलिन की डेड बॉडी को तो ढूंढ लेता है, लेकिन अब फ्रैंकलिन पूरी तरह से टॉयलेट मॉन्स्टर बनने वाला होता है। टोनी स्टार्क चाहता है वो किसी भी हालत में फ्रैंकलिन की आत्मा को बाहर निकाले और फ्रैंकलिन को नॉर्मल करे, लेकिन अब फ्रैंकलिन अपने काबू में नहीं होता और वो सारे के सारे एवेंजर्स पे हमला करना शुरू कर देता है। और अब आगे फ्रैंकलिन, मेरे भाई तूने ऐसा कैसे कर दिया, बता हल्का है। मैंने उसको पहुंचा दिया जहां उसको जाना चाहिए था। तुम सबके सब धोखेबाज हो, तुम लोगों की वजह से मैं टॉयलेट मॉन्स्टर बना हूं। अरे नहीं फ्रैंकलिन भैया, हम आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। चुप रहो, तुमसे अच्छा था वो इसकी भी टॉयलेट मॉन्स्टर है, कम से कम मुझे अपना भाई तो मानता है। फ्रैंकलिन ये कैसी बातें कर रहा है, तो निकल जाओ यहां से, मेरे घर से। तुम नहीं जाओगे तो मैं खुद जा रहा हूं, अब मैं पूरी दुनिया को टॉयलेट मॉन्स्टर बना दूंगा। अरे फ्रैंकलिन भैया नहीं। फ्रैंकलिन रुक जा, हम तुझे ठीक कर लेंगे। गाइस फ्रैंकलिन को समझाओ ना, फ्रैंकलिन सुन तो। गाइस फ्रैंकलिन टॉयलेट मॉन्स्टर बन चुका है और वो दुनिया वालों को बनाना चाहता है। अरे वाह भाई, बड़ा साफ सुथरा सा टॉयलेट लग रहा है और मैं तो यूज करने जा रहा हूँ। बिल्कुल भैया, हम भी यूज करने जा रहे हैं। प्लीज प्लीज गाइस, कोई इसको यूज मत करना, असल में ये मेरे दोस्त फ्रैंकलिन का टॉयलेट है, वो इसके अंदर है। अबे पागल हो गया क्या, टॉयलेट के अंदर कौन होता है भाई, टॉयलेट के ऊपर होते हैं लोग। अरे मैं सच बोल रहा हूँ, अबे चल झूठे, मैं तो इसमें बैठ रहा हूँ। अरे नहीं 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 प्लीज, ऐसा मत करना। अरे प्लीज, अरे यार इसको कोई समझाओ। ओ नो, तुझे फ्रैंकलिन कभी भी खा सकता है। पागल हो गया भैया, पागल हो गया आदमी, भगाओ इसको यहाँ से। अरे मैं सच बोल रहा हूँ गाइस, कोई प्लीज वीडियो लाइक करो और चैनल जल्दी से सब्सक्राइब करो, जिससे कि लोगों को मेरी बातें सच लगे। ओ भाई मैं तो हल्का हो गया। अच्छा अब देखो मैं तुम लोगों के साथ क्या करने वाला हूँ, मैं हूँ टॉयलेट मॉन्स्टर। यही फेंकी भैया, आप टॉयलेट मॉन्स्टर नहीं है, आप हमारे प्यारे फ्रैंकलिन भैया हैं। चुप रहो, तुम्हारा फ्रैंकलिन मर चुका है। अब यही कहीं तो सच में फ्रैंकलिन का भूत है। अच्छा भाई, हम ना खा गया हमको। अरे नहीं फ्रैंकलिन प्लीज, ऐसा मत कर, मैं तो भाग रहा हूँ यहाँ से। ए तुम लोगों में से कोई नहीं भागेगा, मैं तुम सबको खाऊंगा। ए तू भी आया इधर। अरे भाई मेरे को मत काट, मार दिया। मेरे को भी मार दिया। लेकिन हमारा क्या, अब हम टॉयलेट कहाँ करेंगे? मेरी बात सुनो ना, मैं उसके लिए नया टॉयलेट खरीदना होगा, आ जाओ जल्दी से। अरे बाप रे, नया टॉयलेट में गड़बड़ हुई तो मेरे पास एक सॉल्यूशन है। पहले हम जाएंगे दुकान वाले के पास और सारे के सारे टॉयलेट सीट्स को यूज करेंगे और चेक करेंगे कि कौन सी कमोड सही है कौन सी नहीं। जो भी गड़बड़ लगी उसको नहीं लेंगे, जो सही होगी उसको ले लेंगे। बिल्कुल बहुत जोर से प्रेशर आ रहा है, कोना देख के मैं तो वहीं पे कर दूंगा। मुझे भी बहुत जोर से प्रेशर आ रहा है, 3 दिन से बाथरूम नहीं गया, जल्दी कीजिए टोनी भैया, फिर उसके बाद हमें फ्रैंकलिन भैया को बचाना है। बिल्कुल दोस्तों, ये क्या हो गया, हमें फ्रैंकलिन को बचाना है, लेकिन उससे पहले हमें टॉयलेट सीट खरीदनी होगी। जल्द से जल्द यहाँ पर बाथरूम के स्टोर पे चलते हैं, बाथरूम का सामान हाँ ठीक है यहाँ मिलता है। आ जाओ भैया आ जाओ, मार्केट में नया माल आया है, बहुत बढ़िया बढ़िया टॉयलेट सीट हैं, कंपनी से लेकर चाइना के लोकल, मतलब सब कुछ मिलेगा। आ जाओ गाइस आ जाओ। अरे हमको बढ़िया सी बिना भूत वाली टॉयलेट सीट दिखा दे। भैया क्या बोल रहे हो, ये मजाक कर रही है? हाँ भैया, कोई ऐसी टॉयलेट सीट दिखाओ जो टिकाऊ हो, इधर से उधर न जाए। अरे गाइस चुप रहो, तुम इस लड़के को पैनिक कर दोगे। भाई मैं काम करता हूँ, बस इन सारी टॉयलेट सीट को चेक करके देख सकता हूँ क्या, इनकी पाइपलाइन सब कुछ सेट ना? अरे हाँ भैया एकदम चेक कर सकते हो, जो बढ़िया लगे यूज कर लो और ले जाओ उसको। ठीक है गाइस, कौन सी वाली सही होगी मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। वैसे एक काम करते हैं, सबसे पहले शुरुआत तो सबसे आगे वाली से करते हैं। हाँ भैया, सबसे महंगी सीट भी वही है, जरा ध्यान से यूज करना, गंदी कर दो तो पानी साफ करके जाना पड़ेगा। चलो गाइस यहाँ पे टेस्ट करके देखता हूँ। हाँ इस पे मैं बैठ रहा हूँ तो ये इधर उधर नहीं हो रही है। लेकिन फ्रैंकलिन भैया कहते हैं कि टॉयलेट सीट बड़ी होनी चाहिए, जिससे कि इधर उधर कुछ गंदगी ना जाए। हाँ बात तो सही कह रहा है तू। अरे बाप रे गाइस, ये क्या, ये वाली टॉयलेट सीट में कुछ गड़बड़ है यार। ये जैसे ही इसके पास जा रहा हूँ इसमें गड़बड़ है। भाई मैं इसको बिल्कुल भी नहीं लूंगा, इसके अंदर जरूर कोई इसकी भी टॉयलेट मॉन्स्टर टाइप का बंदा हो सकता है। देखो देखो देखो, वो कितनी तेज भग रहा है। कहीं गाइस ये फ्रैंकलिन वाली कमोड तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, फ्रैंकलिन की कमोड थोड़ी सी इससे डार्क टाइप है। भाई साहब वो तू और जल्दी से कोई अच्छी सी टॉयलेट सीट ढूंढ भाई मेरे को, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना है। अरे हाँ ठीक है कर लियो। गाइस ये वाला टॉयलेट मॉन्स्टर तो बेकार है, ये वाली बढ़िया थी, मैंने इसको टेस्ट किया था, हालांकि थोड़ी सी
छोटी है, लेकिन कोई नहीं इसको ही लेंगे हम। ठीक है भैया, पूरे $3,000 गाइस, इतने महंगे में दिए इसने सीट। खैर कोई नहीं, हमें एक अच्छी और टिकाऊ सीट मिल गई। उम्मीद करता हूँ तुम लोग इसको अच्छे से साफ करोगे यूज करने के बाद, वरना इसमें भी स्किबरी या कोई टॉयलेट आ सकता है, तू मरेगा यहाँ पर। वो तो स्किबरी टॉयलेट मॉन्स्टर की आवाज है, अरे भागो यहाँ से, वो टॉयलेट हमारे पीछे पड़ रहा है। शॉपकीपर, तूने यहाँ पर उनको अच्छा वाला टॉयलेट क्यों दिया, अब तू मरने वाला है। अरे भैया यही कहा तू भैया, अरे हमारा टॉयलेट छोड़ा कागजा हमको, अब तेरे को भी टॉयलेट मॉन्स्टर बना दूंगा। उठिर के संभाग, वरना ये हमारे टॉयलेट में घुस जाएगा। बाप भाई साहब बिल्कुल, मैं इसको यूज भी नहीं कर पाऊंगा। जा रहे गाइस, अरे बाप रे गाइस, देखिए इसके बड़े टॉयलेट मॉन्स्टर हमारे पीछे पड़ गया। रुक जाओ एवेंजर्स, तुम लोग बहुत जल्दी टॉयलेट मॉन्स्टर बनने वाले हो। नहीं, तूने मेरे फ्रैंकलिन को और हल्क को तो बर्बाद कर दिया, मैं और एवेंजर्स को नहीं होने दूंगा। गाइस आप प्लीज जल्दी वीडियो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दिया हो तो शुक्रिया। हमें यहाँ पर जल्द से जल्द घर जाना होगा, इससे बचना होगा। बाप भाई साहब, इस वायरस से ऊपर वाले हमको बचा ले, वरना बैंड बच जाएगी हमारी। अरे फ्रैंकलिन भैया गाए, मुझे फ्रैंकलिन भैया की याद आ रही है। तू चिंता मत कर सिंचन, मैं फ्रैंकलिन की सोल को उस टॉयलेट से बाहर निकाल के रहूंगा और उसकी डेड बॉडी में डाल के रहूंगा, जिससे कि हमारा फ्रैंकलिन फिर से जिंदा हो जाए। ऑलराइट गाइस, हम एकदम नई कमोड ले आए। अब यहाँ पर गाइस एक एक बारी से सब इसको इस्तेमाल करेंगे। पहले मैं इसके कुछ पाइप वाइप ठीक कर देता हूँ। हाँ, ये नट बोल्ट मैंने फिक्स कर दिए। ऑलराइट गाइस, हमारे जो घर का टैंक है वो मैंने इससे अटैच कर दिया है। अब यहाँ पर तुम अच्छी तरह से इसको यूज कर सकते हो, लेकिन प्लीज ध्यान रखना, पॉटी करने के बाद या फिर कुछ भी करने के बाद तुम्हें यहाँ पर इसको फ्लश जरूर करना है, सफाई जरूर करनी है। गंदगी करोगे तो हो सकता है एक और स्किबरी टॉयलेट मॉन्स्टर का यहाँ पर जन्म हो जाए। अरे हाँ, चिंता मत कीजिए टोनी भैया, सबसे पहले मुझे करने दीजिए। हाँ, बहुत टाइम से कुछ नहीं किया है, उसके बाद मुझे करना है। अरे हल्क भी शायद कर पाता। अरे बाप रे, मुझे हल्क भैया की आवाज आ रही है। क्या? नहीं, मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। अरे बाप रे, मुझे ऐसे लगा जैसे हल्क भैया इस कमोड के अंदर हो। अरे नहीं यार, हल्क थोड़ी हम इसे टॉयलेट मॉन्स्टर को अभी लेकर आया है, तो मतलब टॉयलेट को। मैं भी क्या टॉयलेट मॉन्स्टर कर रहा हूं। हाँ, मेरा तो हो गया। फ्रैंकलिन भैया होते तो यहाँ पर कितने खुश होते। फ्रैंकलिन भैया को बुलाइए ना। तुम लोग चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ फिलहाल फ्रैंकलिन वाली कमोड ढूंढने, जिसके अंदर फ्रैंकलिन है। कहने का मतलब, फ्रैंकलिन हमारा टॉयलेट मॉन्स्टर बन चुका है, मुझे उसकी सोल को उसके टॉयलेट से दूर करना होगा। प्लीज एवेंजर्स, तुम इधर ही रहना और कुछ उल्टा सीधा मत करना। बस उम्मीद करता हूँ गाइस, ये इस वाली कमोड में भी कुछ गड़बड़ ना कर दें, बस सफाई से यूज करें इसको। बाकी सबका सब यहाँ पर पैनिक हुआ पड़ा है मामला। मेरा फ्रैंकलिन पता नहीं कहाँ पर होगा, मैं उसको ढूंढ कर रहूंगा। अरे बाप रे, ये तो जंगल का बुल ब्रिज है। अरे बाप रे, ये क्या गाइस, यहाँ पर मुझे कमोड दिखा और ये लिटरली मैं फ्रैंकलिन के टॉयलेट सीट जैसा है। मैं आप सभी को दिखाता हूँ, आप यस या नो करके बताना मुझे। देखिए लिटरली मैं गंदा सा भी हो रहा है। ची ची, बड़ी बुरी स्मेल आ रही है इसमें से। पानी कहाँ है भाई? अरे भाई बहुत थक गया यार, मेरा ऑफिस मेरे घर से कितना दूर पड़ता है, गाड़ी का तेल भी खत्म, पैदल जाना पड़ रहा है। अरे वाह वाह भाई, मुझे हल्का होना था, बीच में टॉयलेट मिल गया। अरे भाई साहब, जरा मुँह इधर को फेरो, मेरे को यूज करना है इसको। अरे भाई, खुले में टॉयलेट कौन रखता है? ओ हेलो, ओ भाई, इस पर बैठने का नहीं है, इसके अंदर इसके बड़े टॉयलेट मॉन्स्टर हो सकता है। अबे चुप कर, ये क्या बोल रहा है, बच्चों को डरा, इन चीजों से मेरे को मत डरा। अच्छा मैं तुझे बताऊंगा, एक मिनट गाइस, ये तो फ्रैंकलिन की आवाज। अबे फ्रैंकलिन गाइस, ये फ्रैंकलिन ही है, मैं हूँ टॉयलेट मॉन्स्टर और अब मैं यहाँ पर तुझे खाने वाला हूँ। तूने मुझे यूज किया, उसके बाद साफ नहीं किया, तू मरेगा। अरे मैं पानी नहीं था भाई, कहाँ से साफ करता है? सॉरी, मुझे माफ कर दो, आगे से 3-4 बार साफ करूंगा, धोने से पहले भी और धोने के बाद हर चीज में साफ करूंगा, प्लीज माफ कर दो। अब तू नहीं बचेगा। ये ले फ्रैंकलिन, सुन तो फ्रैंकलिन, तू ऐसा नहीं कर सकता। फ्रैंकलिन रुक जा, मेरे भाई तो यहाँ पर कितने लोगों की जान लेगा, जितने लोग यहाँ पे गलती करेंगे सबकी जान लूंगा। ये लोग सफाई नहीं करते हैं, गंदगी फैलाते हैं, हमको गंदा करते हैं। फ्रैंकलिन सुन, तू कोई टॉयलेट नहीं है मेरे भाई, तू मेरा भाई है। फ्रैंकलिन प्लीज इस टॉयलेट से बाहर निकला यार। फ्रैंकलिन मुझे एक मौका दे, टोनी स्टार्क मुझसे दूर है वरना मैं तुझे भी मार दूंगा। फ्रैंकलिन यार, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मुझे ऐसे छोड़ के मत जा। फ्रैंकलिन सुन तो। अरे गाइस, ये फ्रैंकलिन फिर से भाग गया। कोई नहीं फ्रैंकलिन, मैं मरते दम तक तेरा पीछा करूंगा, मैं तुझे ठीक करके रहूंगा। अरे बाप रे गाइस, ये भाग भाग के मैं कहां गया? एक मिनट गाइस, सामने तो मुझे एक कमोड दिख रहा है, इसका मतलब हो सकता है ये हमारा फ्रैंकलिन ही हो शायद। और बाप रे, छी छी छी, ये तो बहुत ज्यादा गंदा हो रहा है, मुझे तो देखकर इसको घिन आ रही है। अरे बाप रे, फ्रैंकलिन क्या तू उसके अंदर है? अरे भाई भाई, पेट बहुत भर गया, मजा आ गया काम करके, जल्दी जाते हैं, हल्के होते हैं, उसके बाद छुट्टी करके घर पहुंचेंगे, आराम करेंगे। ओ हेलो, ओ भाई, अबे ये खुले में टॉयलेट कौन रख गया भाई? कोई नहीं, मैं यूज कर लूंगा। नहीं नहीं नहीं, तू इसको यूज नहीं कर सकता। अबे ये क्या बोल रहा भाई, पैसे ले ले, मेरे को यूज करने दे, मेरे को यूज करना, तू मेरे को रोकेगा बेटा, तेरे को जान से मार दूंगा। अबे अबे सुन तो, मैं तुझसे लड़ने नहीं आया हूं, प्लीज उसको यूज मत कर, उसके अंदर टॉयलेट मॉन्स्टर हो सकता है। अबे तू मेरे को सिखाएगा, तेरे को जान से मार दूंगा, रुक, ये ले अभी, रुक गोली आके मारता हूं। अरे भाई मेरी बात सुन, अबे झूठ बोलता है तू,
हाँ फर्जी आदमी कहेगा गाइस वो मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहा है, कोई मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहा है, ये लोग अभी भी सच क्यों नहीं मान रहे हैं, यहाँ पर लोग मर रहे हैं टॉयलेट यूज कर करके। बहुत बढ़िया भाई, हैवी खाना खा लिए, सब कुछ बर्बाद, बहुत गैस बन गया। ये क्या हो गया? हेलो ओए भाई तू कहाँ गया? अरे गाइस ये क्या, फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन और कितनों की जान लेगा? मैं तेरे को जान से मार दूंगा, तुमने मेरे को नहीं बचाया। एक मिनट, ये तो उसी आदमी की आवाज है, किसने किसको नहीं बचाया? अब मैं टॉयलेट मॉन्स्टर बन जाऊं तेरी वजह से, तुझे मुझे रोकना चाहिए था। मैंने तुझे कोशिश की थी रोकने की, तूने मेरी बात नहीं मानी। मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, मेरे बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे? मैं तुझे मार दूंगा, मैं अपने बीवी बच्चों को भी टॉयलेट बना दूंगा, सब टॉयलेट मॉन्स्टर बन करेंगे। नहीं तू ऐसा नहीं कर सकता। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है गाइस पूरे शहर को? तू चिंता मत कर, मैं तुझे बचा करूंगा। ये क्या, मैं आगे क्यों नहीं चल पा रहा हूँ? गाइस शुक्र है उसका टॉयलेट जमीन से फिक्स्ड है, इसलिए वहां आगे नहीं बढ़ सकता। मुझे जल्दी यहां से निकलना होगा, पूरा शहर इस टॉयलेट मॉन्स्टर की बीमारी से फैला जा रहा है, बदला जा रहा है। एक मिनट, वो क्या है? अरे हल्क को बहुत जोर की लगी है, हल्क कर देगा, यहीं पे सड़ा देगा सब कुछ। अरे बाप रे, ये तो हल्क की हवा, हल्क, गाइस मेरा हल्क जिंदा है। मैंने सोचा था हल्क तो टॉयलेट मॉन्स्टर बन गया है। अरे बाप रे, एक मिनट, यहां पर इतनी प्यारी टॉयलेट सीट रखी है और एक तरफ इतनी गंदी टॉयलेट सीट रखी है, कुछ समझ नहीं आ रहा है गाइस ये हो क्या रहा है। यहां पर एक साफ वाली, गंदी वाली, गाइस एक काम करता हूं, मैं ना एकदम छुप-छुप कर हल्के पास जाता हूं, क्योंकि मुझे शक है ये किसी स्किमिटी टॉयलेट मॉन्स्टर की चाल हो सकती है या फिर फ्रैंकलिन की भी हो सकती है, मुझे फंसाने की। हल्क को, हल्क, हल्क मेरे भाई तू मुझे सुन सकता है? अरे टोनी हल्क को बचा, हल्क को हल्का होना है। अरे जब देखो तुझे हल्का ही होना रहता है, रुक तेरे को अभी निकाल रहा हूं मैं, सबसे पहले मैं घर जाना होगा, फिर फ्रैंकलिन को ढूंढना होगा, फ्रैंकलिन की जान बचानी होगी। हल्क को बचा ले, हल्क को प्लीज बचा ले, बस रुक जा रुक जा, मैंने अपने सूट को एक्टिवेट कर लिया है, बस मैं तुझे बचा लूंगा हल्क। गाइस ये चाल किस मिट्टी से बना है, कितने टाइम बाद टूटा है भाई। फिलहाल हल्क एक काम करते हैं, हम यहाँ से जल्दी निकलते हैं, हल्क को पहले यहाँ पर सूसू लगी है। अरे सूसू बाद में करियो, फिलहाल हमें फ्रैंकलिन को ढूंढना होगा, ये ज्यादा जरूरी है। अरे हल्क से कंट्रोल नहीं हो रहा है, हल्क ने कंट्रोल कर रखा है। अच्छा तो एक काम कर, इन कमोडो का यूज मत करना, कोई भी टॉयलेट सीट का यूज मत करना, जा खुले में कर ले। नहीं हल्क इंसान नहीं है, लेकिन हल्क इंसानों से भी साफ है, हल्क करेगा तो टॉयलेट सीट पर बैठ कर ही सूसू करेगा। अरे भाई ऐसा मत कर, हल्क सुन तो, गाइस हल्क पागल हो गया है, हल्क को रोको, हल्क, हल्क यहाँ पर हल्का होने के लिए टॉयलेट सीट का इस्तेमाल करेगा। अरे भाई उस गंदी वाली सीट का इस्तेमाल मत कर, अरे सुन करना तो साफ वाली का कर ले। अरे छी छी छी, तुझे शर्म नहीं आ रही है? इतनी गंदी सीट पर बैठ गया, पहले साफ तो कर लेता। हल्क के सारे पकौड़े बाहर जा रहे हैं निकल निकल के, मजा आ गया। अरे हल्क प्लीज जल्दी उठ ले, कितना टाइम लगेगा? हल्क ने कर लिया, हल्क डन, अब हल्क यहाँ चलता है। कसम मैं हूँ टॉयलेट मॉन्स्टर रेड हल्क, क्या 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 रेड हल्क, तू टॉयलेट मॉन्स्टर बन गया? बिल्कुल, बचपन में मम्मी कहती थी हमेशा टॉयलेट साफ रखो, मैं नहीं माना और ये बन गया, अब तुम्हें भी यही मनाऊंगा। भाग हल्क भाग जल्दी। अरे बाप रे, फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन, अरे फ्रैंकलिन तो यहाँ है ही नहीं, मैं बाहर। ये क्या अवेंजर्स, ये क्या हो गया तो आई अवेंजर्स? अरे बाप रे, हल्क ने बोला था हल्के नहीं होगे तो मर जाओगे, अरे ये उसकी वजह से नहीं हुआ है, ये हल्का होना चाहते थे उसी वजह से मरे। गाइस ये टॉयलेट में से पानी कैसे निकल रहा है, कोई प्लीज मुझे बताओ ये सब क्या हो रहा है। गाइस एक मिनट, इस टॉयलेट के अंदर कहीं कोई है तो नहीं? एक मिनट, कौन है इसके अंदर? हल्क को लगता है इसके अंदर स्पीडी टॉयलेट मॉन्स्टर है, हो सकता है गाइस वो इसकी भी टॉयलेट मॉन्स्टर हो। ये क्या हो रहा है, एक साथ से रात कैसे हो गई? देखा मैंने कहा था, जो यहाँ पर अपने टॉयलेट साफ नहीं रखेगा वो मरेगा, वो टॉयलेट मॉन्स्टर बनेगा। फ्रैंकलिन ये क्या हो गया तुझे, अब समय आ गया तुम दोनों के भी टॉयलेट मॉन्स्टर बनने का। नहीं गाइस प्लीज कमेंट में जल्दी पार्ट 4 लिखो, हम पार्ट 4 में वापस आएंगे।